नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीआरवी न्यूज में। मैं पायल शुक्ला। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी किया है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब बाइक के पीछे सवार व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। जहाँ पे केवल अभी तक बाइक चालक को ही हेलमेट अनिवार्य था, अब बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया जाएगा। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन या कार्रवाई की जाएगी। मोस्ट अधिसूचना के आधार पर यह देखा गया कि जो भी व्यक्ति बाइक के पीछे बैठता है या बाइक के पीछे सीट पर बैठता है तो वह हेलमेट का प्रयोग नहीं करता और साथ ही वह यातायात के नियमों का उल्लंघन करता। फिलहाल 15 दिन के बाद यह नियम प्रभाव में आ जाएगा और यदि आपने इस नियम का उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसकी चेतावनी फिलहाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा दे दी गई है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 15 दिन के बाद यदि आपने यही गलती की तो आपसे भारी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा, साथ ही आपके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। वैसे तो पहले भी जो बाइक चालक होता था वह यदि हेलमेट का प्रयोग नहीं करता था तो उससे 500 रुपये की जुर्माना वसूल की जाती थी, साथ ही उसके लाइसेंस को जब्त कर लिया जाता था या लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता। सेम वही प्रोसीजर अब यहाँ पर भी है कि बाइक के पिछले सीट पर बैठा व्यक्ति यदि हेलमेट का प्रयोग नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उससे 500 रुपये की जुर्माना वसूल किया जाएगी, साथ ही उसके लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। यह जो नियम ट्रैफिक पुलिस द्वारा लागू की गई है, हाल ही में सरकार के 1998 मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद ही सामने लाया गया है। इस नियम के अंतर्गत यदि मोटर चालक और सवार व्यक्ति नियमों को तोड़ता है, अर्थात यदि वह हेलमेट का प्रयोग नहीं करता है तो सख्त एक्शन लेते हुए तत्काल रूप से 2000 रुपये का भी जुर्माना जोड़ा गया है। और इस अधिसूचना के या इस संशोधन नियम के मुताबिक कुछ विशेष परिस्थितियों में आपसे नियम तोड़ने पर 2000 रुपये तक की जुर्माना वसूल की जा सकती है। जैसे पहले तो यदि आपने हेलमेट पहना लेकिन आपने बकल को खोल रखा है तो आपसे 1000 रुपये तक की जुर्माना वसूली की जाएगी। तो वहीं जो हेलमेट का प्रयोग आप बाइक चलाते समय कर रहे हैं वह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, अन्यथा आपसे 1000 रुपये तक की वसूली की जाएगी। और यदि आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते, जैसे कि आपने हेलमेट पहनते हुए लाल बत्ती को क्रॉस कर लिया, तो ऐसी परिस्थिति में आपसे 2000 रुपये तक की दंड वसूली की जा सकती है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाई गई इस अधिसूचना से मुंबई वासी कितने हद तक संतुष्ट है यह अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे डीआरवी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।